हेलो फ्रेंड, मेरा नाम इमरान और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसटीसी पे से यूआरपे में डायरेक्ट पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, पर वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एसटीसी पे को ओपन कर लेना है। इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। इस तरह से एसटीसी पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल बैंक ट्रांसफर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख जाएगा ट्रांसफर टू न्यू बेनिफिशियरी, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर अमाउंट, इस पर क्लिक करना है। आप कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं एक रियल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक रियल डाल देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ बेनिफिशियरी फुल नेम और नीचे लिखा हुआ आईबीएन नंबर, तो बेनिफिशियरी फुल नेम और आईबीएन नंबर ये आपको डाल देना है। अगर आपको नहीं पता है कि बेनिफिशियरी का फुल नेम या आईबीएन नंबर कहाँ मिलेगा तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ इस वीडियो में। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से होल्ड कर देता हूँ। तो यूआरपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लगेगा, इसमें लॉगिन कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं यू आर पे एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऐड मनी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे लिखाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रिसीवर नेम, यहाँ पे मेरा फुल नेम यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आई बी एन नंबर। तो ये दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये दोनों कॉपी हो चुका है। अब मैं सीधा यहाँ से होल्ड कर दूंगा। होल्ड करने के बाद सीधा मैं एस टी सी पे में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, यहाँ पे मैं फुल नेम पे क्लिक करके मैं फुल नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। अब नीचे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईबीएन नंबर डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम और आईबीएन नंबर यहाँ पे दोनों मैं डाल दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पज ऑफ ट्रांसफर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे खुद के अकाउंट में भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फैमिली पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ नोट, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर का आ चुका है, तो हमको यहाँ पे देख लेना पहले क्या गलती है। तो यहाँ पे यस ए जो लिखा हुआ दो बार लिखा गया, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे रेड कलर था वो हट गया है। फिर से हमको नीचे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ नोट, इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, तो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टिक लगा देना है और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। फिर इस तरह से आ जाएगा आप कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो नाम है जो बेनिफिशियरी के अंदर यानी यूआरपे के अंदर मेरा यही नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे एसटीसी पे दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा आईबीएन नंबर, यहाँ पे दिखा रहा है अलराजी, यानी मेरा जो यूआरपे है वो अलराजी बैंक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा अलराजी बैंक दिखा रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली, यहाँ पे डाल दिया नाम, यहाँ पे जो ट्रांसफर फीस पर कटने वाली यहाँ पे वो भी दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा कोई ट्रांसफर फीस नहीं कट रहा है, तो मैं उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डन हो चुका है, यहाँ से डन कर देते हैं। मैं यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखता हूँ पैसा कटा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा पैसा तो अभी जीरो हो गया, यहाँ पे जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उसका यहाँ पे दिखा भी रहा, मैसेज भी आ रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं अपने यू आर पे में कि पैसा आया कि नहीं आया है। तो सीधा यहाँ से यू आर पे में चले जाते हैं, यहाँ से थोड़ा बैक कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे अभी 5 पैसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर की तरफ से यहाँ से कॉल आ रहा है, तो मैं इसको रिसीव करता हूँ। Local remittance with the amount of 1.0 Saudi Riyal on 5:12 p.m. Thursday, February 10, 2022. To proceed, please press 1. To cancel, press 2. Thank you. Goodbye. तो आप देख सकते हैं अभी मुझे कस्टमर केयर की तरफ से एक कॉल आया था, उसने कहा कि अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो एक दबाएं, तो मैं एक दबा दिया हूं, तो उसने यहां पे फ़ोन काट दिया। अभी मैं देखता हूं यहां पे फिर से रिफ्रेश करके, यहां पे मेरा 5 पैसा यहां पे दिखा रहा है। हो सकता है कुछ टाइम भी लग सकता है। तो इस तरह से आप भी अपने एसटीसी पे से यूआरपे एप्लीकेशन में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बहुत ही आसानी से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर